नमस्कार, मैं उमेश शर्मा और इस वक्त आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के, हरियाणा के करनाल के बसाड़ा गरोंडा टोल प्लाजा से। जागीर हैं इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं। देखिए आज जो है डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के वकील यहाँ पर उतरे हुए हैं और उसके साथ साथ और तमाम जो किसान हैं वो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। हालांकि बारिश में आपको बता दूँ बहुत ज़्यादा इस समय हो रही है, ठंड का मौसम है, बिजली आसमान में कड़क रही है, लेकिन किसान टस से मस नहीं हो रहे। किसानों ने जो ठाना है वैसे ही वो उसी तारीख को हर चीज़ करते रहेंगे। और जागीर जी हैं, उनसे एक बार बातचीत कर लेते हैं। देखिए चलने में असक्षम है, हैंडीकैप्ड है, लेकिन यहाँ पर बैठे हुए हैं और ये अपने आप में एक बड़ा समर्पण है किसानों को लेकर। हालांकि उठने की कोशिश करें लेकिन उनसे हम बैठे हुए बातचीत करेंगे। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे, कहाँ से आए आप? बरसत से। बरसत, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बरसत से आप आज स्पेशल यहाँ पर आए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे किसानों के लिए? जो किसान है, मांग नहीं पूरी हुई, वो पूरा मांग पूरी करो, हमारी वादा है हमारा। जो मांग नहीं पूरा होया वो मांग अब होनी है, अब मांगे पूरी करनी पड़ेंगी सरकार को। वादे जो वादा कर रहे हैं वो पूरा वादा करना है। देखिए आप खुद समझ सकते हैं कि हर कोई यहाँ पर किसानों के साथ है, इन कानूनों को वापस करवाने में प्रयास लगातार कर रहा है। कहना यही है कि इन कानूनों को वापस किया जाए। और आप खुद समझ सकते हैं कि अब तो शायद सरकार को शर्म आ जानी चाहिए, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं जो शायद चल फिर भी नहीं सकते। ऐसे ऐसे लोग भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं इस आंदोलन में, किसानों का साथ दे रहे हैं, जो दिल्ली कुंडली बॉर्डर तक जा रहे हैं। और आप खुद समझ सकते हैं जी, किसान ने कहा पर करना है कभी करे चालू करे मुरदीप ग्रेस का 2024 के इलेक्शन आईडी लड़ेंगे हम तो टूल पे बैठ रहेंगे इतना जी। देखिए हम तो देखिए 2024 के इलेक्शन तक इसी तरीके से बैठे रहेंगे अगर अगर सरकार ये तीन कानून वापस नहीं लेती। सर क्या नाम है आपका? गुरनाम सिंह, गांव रायपुर जाटन। देखिए गुरनाम सिंह है, गांव से यहां पर आए हुए हैं और कह रहे हैं ये हुक्का यहां पर चल रहा है और ऐसे ही ये हुक्का यहां पर चलता रहेगा 2024 तक भी। अगर किसानों को यहां पर बैठना पड़ा, इन टोल को फ्री करना पड़ा, कुंडली बॉर्डर पर बैठना पड़ा तो बैठे रहेंगे जी। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? भजन सिंह जैसे आप लग रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ऐसा जी, भजन सिंह अपनी जगह, हम अपनी जगह, मैं वीरेंद्र गोंडा से हूँ। और रही बात इस सरकार की जो तानाशाही है, अब हिंदुस्तान का किसान नहीं सहेगा। ये आप मौसम देख लो, प्रमाण है इस बात का। मौसम और सरकार दोनों एक तरफ है, हमें ऐसा लग रहा है कहीं दोनों ने कमीशन खोरी का धंधा इसने भी ना कर दिया शुरू। तो हम नमन करते हैं अपने इस परमात्मा का, तो पर सरकार को तो आपने पता है हम किस तरीके से सलाम करें जी, जी। उसको तो ये ताकत बताओगी कि भाई इस देश को तबाह और बर्बाद करने में अंबानी, अडानी और अपना मोदी, ये तीनों एकजुट होकर इस देश की अर्थव्यवस्था को लचर कंडीशन पर लेकर जाना चाहते हैं, वो किसान बिल्कुल निशान करेगा। तो अंबानी अडानी के इशारों पर इस वक्त सरकार चल रही है। ऐसा जी, पीएम ही आज की डेट में देश का अंबानी अडानी है, जिनके इशारों पर यह अंधभक्ति मोदी कर रहा है। जो किसान नहीं सहेगा और अपने हक के लिए लामबंद रहेगा, तब तक गोला लाठी देता रहेगा जब तक ये तीनों तानाशाह नहीं मानेंगे, ठीक है? और ये तो ऐसे ही लगातार चलता रहेगा, मौसम के अकॉर्डिंग कैसा ही भी मौसम हो, बारिश आए तूफान आए, पर किसान यहीं डटा रहेगा अपनी जगह पे। जहाँ तक आदेश की पालना है, दिल्ली हमारे बैठे हैं भाई साहब, जो हमारे बड़े भाई बैठे हैं, छोटे बैठे हैं, उनका आदेश जैसे आओगा वैसे ही धरने का हो, प्रदर्शन का हो, बैरिकेशन तोड़ने का हो, सब काम होगा। और रही बात इस सरकार ने आज तक जब तक भी जब भी सरकार में आई है ना, कभी इन्होंने 2014 में आई तो 2 करोड़ नौकरियां थी ना, तो वो 2 करोड़ नौकरियां मिली ना, कहीं काला धन आया और ना ही मेरे हर जगह इन्होंने एक जगह जाने के बाद दूसरी जगह भूल जाते हैं। एक मिनट रुक जाए यार, तो आपने अब जलेबियों का लंगर शक लिया? ऐसा जी, एक हफ्ता से जलेबियों का लंगर था, आज अपने महाराजा सूरजमल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आपको भी निमंत्रण है, आप यहाँ इस मौसम में कड़कड़ाती ठंड में आए, एक बार उसका टेस्ट जरूर ले, गाजर पाक का। किसान एकता, गाजर पाक है, गाजर का हलवा है, उसके अलावा जलेबियां हैं, जलेबियों का लंगर यहाँ पर लगाया जा रहा है, मीठा यहाँ पर शिकायत आ रही है। किसान एकता, किसान एकता, आप दिखा।
खड़ा हो तो एक बार सुथरी डाल लो आते नारे दिखाओ फिर मैं खड़ा हो दू और करवा दे काम ने। मर गया मोदी, मर गया मोदी, मर गया खट्टर, मर गया खट्टर, रोलो रोलो खोलो आपा, रोलो रोलो मर गया खट्टर, तानाशाही 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 चलेगी, तानाशाही चलेगी, तानाशाही चलेगी, तानाशाही चलेगी, मर गया मर गया, मर गया खट्टर, मर गया धोती, हाय इंकलाब इंकलाब, हर जोर जुलम की टक्कर में। ठीक है जी, धन्यवाद आपका। देखिए मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी, जमकर जो विरोध में उनके यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है, उनके खिलाफ यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है। इनसे जान लेते हैं कि क्या कुछ इनका कहना है। मीडिया यही सवाल करता है किसान से, भाई गर्मी है सर्दी है, मैं सरकार को और बीजेपी के आला नेताओं को आगाह करना चाहता हूँ, विपरीत परिस्थितियों का मुकाबला करने के लिए किसान पूरी तरह सक्षम है। 50 डिग्री टेम्परेचर में काम करता है और -50 में भी किसान काम करता है। किसान तो इन बातों से पूरा एबजोल है। किसान का लड़का सुबह 4 बजे जाकर टोल चलाता है, रात को 11 बजे टोल चलाता है। कितनी सर्दी हो कितनी गर्मी हो उसको मौसम की कोई परवाह नहीं है। और मैं बताऊँ आपको, सरकार केवल मामले को लिंगर ऑन करना चाहती है, सरकार किसानों के घुटने टेकना चाहती है। ये तो ये फैसला करेगी देश की जनता, घुटने सरकार टेकेगी या किसान टेकेंगे। किसानों को तो बिजली भी रात को दी जाती है सरकार के द्वारा। हाँ हमारा, हम रात को जाके टोल चलाते हैं, हाँ हमें परवाह नहीं है किसी बात की। अंधेरे में भी हम जाके पैदल जाके अपना टोल चलाते हैं रात के 4 बजे भी, जबकि कोई पूंजीपति आदमी चाहे 1 लाख रुपए दो रजाई में तो नहीं निकल सकता। हम रात को कपड़ा भगा कर अपना टोल चलाने जाते हैं। क्या नाम है सर आपका? कहाँ? जयपाल पुनिया, करनाल से। देखिए करनाल से है जयपाल पुनिया। कहना यही है कि अगर सरकार को लग रहा है कि मौसम से डरने वाले हैं किसान, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर किसान अपने खेतों में ठंड में गर्मी में बारिश में काम कर सकते हैं, तो यहाँ पर भी डट कर बैठ सकते हैं और किसान बैठे रहेंगे। और कहना ये है कि अगर 2024 के प्रधानमंत्री के इलेक्शन तक भी बैठना पड़ा तो इसी तरीके से बैठे रहेंगे, लेकिन सरकार को अपने जो ये कानून है इनको वापस करना ही पड़ेगा। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जलेबियों का भी लंगर है, गाजर का हलवे का भी यहाँ पर लंगर है। और आप सभी लोगों से मेरी यही अपील रहेगी कि इस खबर को, इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर कीजिए। जी हम भी लेंगे अभी जलेबियों का प्रसाद, यहाँ पर ज़रूर चखेंगे। आप देख रहे हैं IBN 24, मैं हूँ आप सभी के साथ मैक शर्मा, अपने सहयोगी रिंकू कौशिक के साथ। बस्ताड़ा टोल प्लाजा की तस्वीरें और इन तस्वीरों को जितना ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।